हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रेडी एग्जाम पर। आज हम एलजेब्रा से संबंधित प्रश्नों को चर्चा करेंगे। एलजेब्रा के संबंधित प्रश्नों को चर्चा करने से पहले हम उसके एलजेब्रा के कंसेप्ट को समझेंगे। उसका कंसेप्ट क्या है, उससे संबंधित जो फार्मूले हैं हम उनको समझेंगे। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एलजेब्रा एक एडवांस का चैप्टर है और एडवांस मैथ को लोगों को अधिकतर डर लगता रहता है। तो आज मैं ये बताऊँगा कि उसको कितने आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत आसानी तरीके से मैं बताऊँगा और ये ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, आप बहुत विद इन सेकेंड उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, वो फार्मूले जो याद नहीं होते हैं आपको, मैं कैसे याद कराता हूँ, आपको उतने ही फार्मूले बताए जाएंगे जितने आप याद कर पाएंगे। ठीक है, हम एक फार्मूला जानेंगे, फिर उसके बाद दूसरा जानेंगे, फिर उसको बहुत आसान तरीके से याद भी कर लेंगे। आप समझ लीजिए कि ऐसे कर पाएंगे कि आपको लगेगा कि ये मुझको कैसे हो गए, आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। तो हम उन फार्मूलों को जानते हैं। वो फार्मूले हमारे पहले दो फार्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको जानेंगे पहले, फिर उन्हीं से संबंधित, क्योंकि हमारी एलजेब्रा वहीं से स्टार्ट होती है। वो फार्मूले हमको पता होना चाहिए और वो फार्मूले हमको पता होंगे क्योंकि वहीं से एलजेब्रा हमारे स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमारा फार्मूला क्या है, फिर उसके बाद हम उसके आगे जानेंगे। जैसे जैसे हमारे सवाल बढ़ते जाएंगे, हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमें आपको आगे का बताता जाऊँगा। तो उसको जानेंगे हमारे फार्मूले क्या है। तो हमारा जो फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला आंसर उत्तर क्या होगा, इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये आपको याद रखना है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये आपको याद रखना। इसी से संबंधित एक इसका माइनस वाला फार्मूला है। इसका माइनस वाला फार्मूला देखिएगा, ए माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों फार्मूलों में अंतर क्या है, दोनों फार्मूलों में अंतर क्या समझना है। दोनों फार्मूलों में जो अंतर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, लेकिन इस माइनस वाले फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, माइनस टू ए बी हो जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ए माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसी से संबंधित क्वेश्चन पर देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा वो हम आपको बताते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं क्या है, समझिएगा। इधर पर हमको जो प्रश्न दिया होगा कुछ इस टाइप से दिया गया होगा, देखिएगा। ये जैसे हमारा यहां पर ये क्वेश्चन है, x प्लस वन अपान x बराबर n। हमको यहां पर n की जगह कोई भी वैल्यू दी गई होगी, तो हमसे वो पूछेगा क्या, क्या पूछेगा, समझिएगा। वो पूछ सकता है हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप जब इसकी वैल्यू निकालना होता तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिया गया, तो इस वैल्यू को हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो इन दोनों का पक्षों का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर करेंगे, देखिए मतलब वर्ग करेंगे। तो समझिएगा, एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल हाफ स्क्वायर कर देंगे, और जब एक तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हुआ। तो अब इसके आगे देखिएगा, इसका फार्मूला होल हाफ स्क्वायर तोड़ देंगे, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू गुणा एक्स गुणा वन अपान एक्स बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, ओके, समझिएगा। यहाँ से हमारा देखिए ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, दो बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, आगे इधर पर समझिएगा, ये हमारा टू उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हमारा यहाँ पर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस टू।
तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस टू। तो जब भी आपसे इस तरह पूछा जाए कि यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एन दिया गया हो, तो आपको करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, तो आप कुछ नहीं इसमें करना, इसमें सिंपल सा तरीका है, जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर करना है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर आया है, और जो उस स्क्वायर को मैं क्या करना, माइनस दो कर देना है, टू माइनस कर देना है। ये आप सिंपल से तरीके, इसी तरीके आप यहाँ पर एक प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या हो सकता है, यदि हमको x प्लस वन अपन एक्स बराबर पाँच दिया गया हो, क्या x प्लस वन अपन एक्स बराबर पाँच दिया गया हो, अगर वो हमसे फाइंड करवाना चाहता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा एक तरीका है, इसका क्या करना है, वर्ग करना है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, पाँच का वर्ग 25 हो जाएगा, इसमें दो माइनस कर देना है, क्या करना है, दो माइनस करना है, दो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। देखिए विद इन सेकेंड इसका आंसर आप 23 निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 23। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके आगे हम जानेंगे इसका क्यूब वाला मेथड क्या है, अगर हमसे क्या पूछे क्यूब वाला मेथड क्या है, तो क्यूब वाले मेथड के लिए हम इसका क्यूब वाला फार्मूला भी जानेंगे। देखिए इसका अब हम जानेंगे हमारा क्यूब वाला मेथड क्या है, तो क्यूब वाले में क्या है, पहले हमको क्यूब वाला फार्मूला याद करना होगा। तो हमारा क्यूब वाला फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला देखिएगा ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो फार्मूला है ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये आपको बहुत आसान तरीके से याद कर लेना है, ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये आपको याद रखना है। अब इसमें हम माइनस वाला देख लेते हैं, माइनस वाला फार्मूला यहीं पर याद कर लेते हैं, क्या है ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा। ठीक है, इसमें देखिए प्लस वाले में हर जगह पूरे में प्लस है, और माइनस वाले में सभी में हर जगह क्या है, माइनस है, ये आपको याद रखना है। ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको याद रखना है। देखिए अब जो हमको क्वेश्चन दिया गया है होगा, देखिए किस प्रकार दिया गया, जैसे मानिए आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा हमारा, एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर एन, देन एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू बताना है। अगर ये एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर एन दिया गया है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, क्यूब आ रहा है, तो हमको ये जो हमको दी गई है वैल्यू, इसका भी हमको क्यूब करना होगा। ठीक है, तो इसका हम क्यूब करते हैं, देखिए इधर पर x प्लस वन अपान एक्स, ये क्यूब लगाया, यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसका हम फार्मूला तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो ध्यान दीजिएगा इधर पर x क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब प्लस थ्री गुणा एक्स गुणा वन अपान एक्स, एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर एन क्यूब आया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या, आप ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस वन अपान एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पर क्या बचा थ्री। आप अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू यहाँ पर दी गई है एन, क्या दिया गया है एन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एन रख देंगे, तो क्या आ जाएगा थ्री एन बराबर एन क्यूब। ओके, अब इधर पर समझिएगा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब बराबर इस थ्री एन को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एन क्यूब माइनस थ्री एन, तो ये आपका परिणाम आ गया, क्या आया एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब बराबर एन क्यूब माइनस थ्री एन। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि x प्लस वन अपन एक्स बराबर एन दिया गया है, अगर एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखना है कि एन क्यूब माइनस थ्री एन, तो मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी हमको यहाँ पर ये वैल्यू दी गई होगी उसका हमको क्यूब करना है, उसमें तीन का गुणा करके उसको माइनस कर देना है। जैसे हम यहाँ पर एक
प्रश्न जानेंगे। प्रश्न क्या है देखिएगा, हमको यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। जैसे मान लीजिए x प्लस वन अपान एक्स बराबर थ्री दिया गया। क्या दिया गया है? थ्री। और यहाँ पर से हमसे पूछ लिया गया एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिएगा, ये थ्री है, इसका क्यूब क्या होगा? थ्री गुणा थ्री गुणा थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 माइनस इस थ्री में क्या करेंगे, एन का गुणा कर देंगे, इस थ्री का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जब 27 में 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18। तो ये हमारा 18 देखिए कितना विद इन सेकेंड आंसर आ गया। तो आप इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको, ठीक है। अलजेब्रा में आगे जो हम पार्ट लाएंगे उसमें हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, इसमें हम अभी सिर्फ मात्र कंसेप्ट को जानेंगे। अब आगे हम आगे देखते हैं, अगर हमको क्वेश्चन फोर में दे दिया गया, अभी यहाँ पर देखिए हमने क्या जाना, स्क्वायर जाना, क्यूब जाना, अब हम फोर में जाए, अगर x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 हमको दे दिया जाए, इसकी वैल्यू पूछी जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए हम उसको जानेंगे। अगला कंसेप्ट है, यहाँ पर देखिए हमको 4 की वैल्यू दी गई होगी। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन होगा x प्लस, क्या दिया गया है क्वेश्चन, x प्लस 1 अपान x बराबर n, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछेगा क्या, ये आपको देखना है, वो हमसे फाइंड करा सकता है। क्या फाइंड कराएगा? x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर यह हम चीज़ को पूछेगा तो आप क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको सीधे परिणाम बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा वो आपको याद रखना है। तो इसका आप नोट बनाकर लिख भी सकते हैं, अगर ऐसा दिया गया है, ऐसा पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, जो आपका x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 बराबर हो जाएगी, यहाँ पर जो आपको ये वैल्यू दी गई है उसका क्या करना है, स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। फिर इसके बाद जो ये निकल आया है इसी को स्क्वायर करना, फिर माइनस 2 कर देना है। या मतलब इसको कहने का मतलब है इसको दो बार निकालना है। जैसे एक बार ये हमको दिया गया है तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला, पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 2, ये सॉल्व किया। फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, एक्स की पावर 4 अपान एक्स की पावर 4 बराबर एन स्क्वायर माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आ जाता है, ये आपको याद, इस प्रकार ये आ जाता है। तो हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, हम क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा। मान लीजिए हमारे लिए एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया होगा इस प्रकार, एन की जगह आप मान लीजिए थ्री, क्या है थ्री, यहाँ पर आपको थ्री दिया गया है, एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, थ्री। तो हमको आप क्या बताना है, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 की वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे आप, इसका सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसका वर्ग करना है, अभी हमने आपको पीछे बताया था, इसका वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद इसमें 2 माइनस कर देना है तो क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। फिर इसको एक बार और लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 बराबर, इसका वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, 49, इसमें माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 47। इस प्रकार आप इसको देखिए बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ठीक है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। ये हमारा आप इसके बाद हम आपको इसका जो अलजेब्रा का पार्ट 2 होगा हम उसको लेकर आएंगे, उसमें हम आगे बताएंगे इसका जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यदि x की पावर 5 प्लस 1 अपन x की पावर 5 पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।